असलमकम अविरीवान वेलकम बैक विद अनदर वीडियो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना ये आज की फाइनल अपडेट है इसके बाद फिर पी एस एल सिक्स के ड्राफ्ट शुरू हो जाएंगे इसमें कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो को कम्प्लीट देखने से आपकी तमाम तरह इफॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाएंगी पी एस एल सिक्स के हवाले से हमने जितनी भी आपके साथ अपडेट शेयर की और स्टेज सजना शुरू हो गए हैं पी एस एल सिक्स के ड्राफ्ट के लिए कल यहाँ पर ड्राफ्टिंग होगी और बाकी कैटेगरीज जो रहती थी उसका आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि फ़ॉरन प्लेयर्स के लिए डायमंड गोल्डन सिल्वर कैटेगरी का भी बताएं, लोकल प्लेयर्स का भी बताएं तो वो तमाम तर आ गई हैं और कल इन पे ड्राफ्ट होंगी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आप ऐसी आई डोंट नो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस बार प्लेयर्स ठीक नहीं है मैं आपके साथ आज कैटेगरी शेयर करता हूं इस वीडियो में तमाम प्लेयर्स की आप देख लेना और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो प्लेयर्स बिज़ी हैं सीरीज़ की वजह से नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से वो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें दो सीरीज़ एक अफग़ानिस्तान और जिम्बाबी की दूसरा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की ये अनऑफिशियल है ये कन्फर्म नहीं है तो उनके तमाम तरह प्लेयर्स अवेलेबल हैं जैसे कि आपको पता है राशिद खान मोहम्मद नबी मुझे मान और श्रीलंका के सारे प्लेयर्स वेस्ट इंडीज़ के सारे प्लेयर्स और बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं बस आप इस वीडियो को देख लेना इसमें तमाम प्लेयर्स की लिस्ट मैंने मैंशन की हुई है तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन को दबा लें आते हैं वीडियो की तरफ अच्छा प्लाटिनम कैटेगरी थोड़ी सी अपडेट हुई है पी वालों की तरफ से फॉरेन प्लेयर्स की तो वो आपके सामने हैं ये उनकी तरफ से मेंशन की गई है ये हमने आपके साथ पिछली वीडियो में प्लाटिनम कैटेगरी को डिस्कस भी किया था तो हम इस पर बात नहीं करेंगे हम सीधा जाएंगे बाकी कैटेगरीज की तरफ से जिसका आप पूछ रहे थे गोल्डन सिल्वर लोकल और फ़ारन प्लेयर्स के लिए तो सीधा आते हैं उस तरफ प्लाटिनम के बाद ये है डायमंड कैटेगरी जिसमें तमाम तरफ प्लेयर्स शामिल हैं लोकल और फ़ॉन प्लेयर्स तो मैं बड़े बड़े नाम मैंशन कर देता हूँ बाकी आप रीड कर सकते हैं जैसे हसन अली है इफ्तार अहमद है मामल हक हैं जुनेद खान हैं मोहम्मद हसनैन है मोहम्मद इरफान सीनियर है मोहम्मद रिजवान उस्मान खान शिनवारी अली खान और फॉरेन प्लेयर्स में अगर मैं नाम लूँ तो फ्लेचर हैं रंडन टेलर हैं चार्डवर क्वाल्टन हैं, क्रिस ग्रीन हैं, डैन क्रिश्चन हैं, दनेश रामदीन हैं, दिनेश चंदीमल हैं फवाद अहमद हैं जो बिग बैश लीग में भी खेलते हैं अफगानिस्तान के हजरत जैजई भी हैं ये भी अच्छे टी ट्वेंटी प्लेयर हैं जैसा मैंने आपसे कहा कि प्लाटिनम कैटेगरी थोड़ी सी अपडेट हुई है आ, पिछली बार जो शेयर की थी उसमें पच्चीस प्लेयर्स शामिल थे जबकि अब तीन से चार प्लेयर्स निचली कैटेगरी में डाल दिए गए हैं जैसे डायमंड कैटेगरी में आप तब्रेज शमसी को देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं ये पिछली बार मेरे ख्याल में प्लाटिनम कैटेगरी में थे लुइस ग्रेगरी हैं लम प्लंकट हैं लू राइट हैं मोहम्मद रियाद हैं मार्क वाट हैं मार्ट क्विन है फिल साल्ट है केस अहमद हैं रियाद अमृत हैं रोमान पॉल हैं शैनन गैब्रियल हैं शल्डन कॉटरल हैं सुरंगा लकमल हैं श्रीलंका के तब्रेज शमसी तो मैंने बता दिया है थॉमस कबीर है टिम ब्रैजनल है इंग्लैंड के टिम वेंडर गटसन है टॉम टेलर हैं वैन पार्नल हैं और भी बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इनके नाम जो बड़े बड़े नाम मेरी नज़र में आए मैंने यहाँ पे रीड कर दिए ये डायमंड कैटेगरी है तमाम तर प्लेयर्स की बाकी कैटिगरीज की तरफ भी आ जाते हैं डायमंड के बाद ये गोल्ड कैटेगरी है और इसमें भी दो पेजेस हैं एक पेज यहाँ पे शेयर किया हुआ है सारा क्रेडिट जाता है पीएसएल वालों को जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं वन ऑफ़ टू तो टू पेजेस में ये पहला पेज है गोल्ड कैटेगरी का फॉरेन प्लेयर्स के लिए तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स शामिल हैं मैं आप किस किस का नाम लूँ कैबरन डलपोर्ट देख लें उसको गोल्डन में रखा गया इस है इस बार आयरलैंड के केवन ओब्राइन हैं तो काइंडली आप ये नाम ज़रूर रीड करें और अगर आपको बड़े नाम नज़र आएँ जो मैंने आपको यहाँ पे ना बताए बताएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ब्रेंडन ग्लोअर हैं हैंबियन एलम हैं जेरोम टेलर हैं जो क्लार्क हैं कार्ल एबर्ट भी हैं कार्ल मेयर्स भी हैं कार्ल फिलिप भी हैं तो बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे देखने को ये गोल्ड कैटेगरी में पहला पेज है दूसरा पेज भी शेयर कर देता हूँ ले जी ये गोल्ड कैटेगरी का पेज टू ऑफ टू है तो भाई गोल्ड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर शामिल हैं यहाँ पे शैन डॉर्विच का नाम सामने नजर आ रहा है साकिब महमूद है। है। हैं समित पटेल हैं सैम हैन हैं रियान डेविस हैं रियान जॉन हैं भाई ऐसे ऐसे नाम हैं आप रीड कर सकते हैं विल जैक्स हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे कोल्ड कैटेगरी में डालो हुआ नजीबुल आज का नाम आप देख सकते हैं मोहम्मद शहजाद हैं अफगानिस्तान के दो प्लेयर्स यहाँ पे भी हैं लूकवुड हैं तो इनमें से भी कुछ प्लेयर सेलेक्ट होंगे ये जो 400 प्लेयर्स का बताया जा रहा था उनमें से कुछ कुछ जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है और फिर इसमें भी छानबीन होगी जो फाइनल तमाम फ्रेंचाइज़ के लिए सेलेक्ट होंगे सामने आप देख सकते हैं जम्बावे के ऑलराउंडर सीन विलियम्स भी हैं शाहपुर जदरान भी हैं अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर पिछले पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में भी इस तरह बहुत सारे नाम दस्याब थे पी के ड्राफ्ट के लिए लेकिन फिर उनमें से सिर्फ क्रीम प्लेयर्स ही सिलेक्ट होते हैं तो बाकी के प्लेयर जो होते हैं उन्हें फिर इग्नोर कर देते हैं एज फ्रेंचाइज़ वाले मतलब उन्हें इग्नोर करना पड़ता है तो ये तमाम तर गोल्ड कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स थे तकरीबन 140 टू तो 150 प्लेयर्स हैं ये गोल्ड कैटेगरी में और इनमें से भी फिर ख़ास ख़ास नाम सेलेक्ट होंगे फ़ॉन प्लेयर्स की गोल्ड कैटेगरी के बाद ये लोकल प्लेयर्स की गोल्ड कैटेगरी भी देख लें जिसमें अब्दुल्ला शफीक आबिद अली अदनान अकमल अहमद शहजाद अहसन अली अमाद बट अहमद शहजाद को गोल्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है असद शफीक उवैया अजहर अली बिलाल आसिफ बिलावल भट्टी एहसान आदिल फवाद आलम हमद आजम हारिस सुहेल इमरान ख़ान सीनियर ख़ुरम मंजूर मीर हमज़ा मोहम्मद अब्बास मोहम्मद तलह मुख्तार अहमद नौमान अनवर राहत अली रमीज़ राजा जूनियर रमीज़ राजा जूनियर दो दफ़ा लिख दिया गया है रोमान रईस साद अली साद नसीम साहिबजादा फरहान सलमान भट समी असलम शहजाद आजम राना शुयब मकसूद सुहेल ख़ान उमैद आसफ़ उमर अमीन, उस्स्मान सलाउद्दीन, यासिर शाह और ज़ी अशरफ शामिल हैं ये गोल्ड कैटेगरी में लोकल प्लेयर्स में तकरीबन 40 प्लेयर्स शामिल हैं यहाँ पे भी नेशनल टीम के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और मैं सारी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँ बाकी आप रीड भी कर सकते हैं वीडियो को पास करके और यहाँ पर आप क्या समझते हैं गोल्ड कैटेगरी ठीक सेलेक्ट की गई है आ, किसी प्लेयर्स के साथ ज़्यादी तो नहीं हुई आप सामने नाम देख लें अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गोल्ड कैटेगरी ऑफ लोकल प्लेयर्स के बाद अब हम सिल्वर फॉरेन कैटेगरी की बात कर लेते हैं फॉरेन प्लेयर्स की सिल्वर कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा नाम है इसको तो मैं रीड नहीं कर पाऊँगा इसमें भी तकरीबन अस्सी प्लेयर्स यहाँ पर हैं अस्सी से ज़्यादा हैं आप अगर रीड कर सकते हैं तो रीड लें रीड कर लें जो मैंने बड़ी बड़ी कैटेगरी के प्लेयर्स थे उनको आपके सामने रीड कर दिया है बाकी ये सिल्वर कैटेगरी आप ख़ुद देख लें तो बेहतर होगा हम वीडियो को जल्द ख़त्म करते हैं ये सिल्वर ही कैटेगरी में पेज टू ऑफ टू भाई कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं तकरीबन यहाँ पर भी अस्सी नब्बे प्लेयर तो होंगे तो ये भी आप देख सकते हैं इसके बाद हम मेंशन करते हैं सिल्वर कैटेगरी फॉर लोकल प्लेयर्स इसमें भी बहुत ज्यादा प्लेयर शामिल हैं जो हमारे अंडर 19 या नेशनल साइड से खेल चुके हैं वो भी हैं इसमें तो वो भी आप देख सकते हैं ये पेज वन ऑफ टू है लोकल कैटेगरी का और यहाँ पे आप पेज टू ऑफ टू लोकल प्लेयर्स के लिए सिल्वर कैटेगरी का देख सकते हैं लोकल प्लेयर्स के लिए सिल्वर कैटेगरी के बाद हम इमर्जिंग टैलेंट को कैसे भूल सकते हैं सिल्वर के बाद हमारे पास इमर्जिंग कैटेगरी आ जाती है और इसी पी से हमें एक हीरा मिलता है हर साल लेट्सी इस बार हमें कौन पता है आप क्या समझते हैं अगर आपको किसी प्लेयर का पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये तमाम इमरजिंग कैटेगरी के लिए पेज टू में से पहले पेज की लिस्ट है और यहाँ पे आप दूसरा पेज भी देख सकते हैं इमरजिंग कैटेगरी में भी इस बार बहुत ज़्यादा नाम शामिल हैं मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ नीचे अंडर नाइनटीन या सेवनटीन की साइड पर खेलते होंगे अगर आप इनमें से किसी को जानते हैं तो ज़रूर बताएँ तो ये इमरजिंग कैटेगरी की लिस्ट हो गई तमाम तर प्लेयर्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए तमाम कैटेगरीज के फॉरेन हो गए या लोकल प्लेयर्स हो तमाम तर प्लेयर्स इस बार मैंने पी एस एल सिक्स के लिए उस पर वीडियो बनाई है तो आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी पी एस एल सिक्स के ड्राफ्ट से पहले पहले मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज़ से आपको अपडेट रखूँ तो इन उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा इस वीडियो के लिए इतना ही दिशी बोहमद सनिंग ऑफ टेक केयर हाफ़